हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो फोन है तो मोटो फोन के डायल पैड ऑप्शन पर जाकर जो हमारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स को आप कैसे गूगल अकाउंट पे सेव कर सकते हैं मोटो फोन की डायल पैड ऑप्शन पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स अपने आएंगे, फिर आपको क्लिक कर देना है फ़ोन आइकन पे। क्लिक करते ही फ़ोन आइकन सब हो जाता है। तो कॉन्टैक्ट नंबर्स को आप कैसे सेव कर सकते हैं मोटो फोन की डायल पैड ऑप्शन पे जाकर गूगल अकाउंट पे। तो सबसे पहले आपको इस पे जाना है और सेलेक्ट करना है कोई भी नंबर। इस पे जाएंगे तो हम सेलेक्ट कर लेंगे गूगल अकाउंट, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने आपको नेम डालना है, जो भी आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, फिर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे गूगल अकाउंट पर सेव हो जाएगा मोटो फोन में। इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट नंबर को गूगल अकाउंट पे सेव कर सकते हैं मोटो फोन की डायल पैड ऑप्शन पे जाकर। तो आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।